दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने मोबाइल के लिए कोई हेडफोन परचेस करते हैं बहुत कुछ देख के, लेकिन जब आप रिसीव करते हैं और यूज़ करते हैं फिर आपको पता चलता है कि आप टोटली सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है उसके साउंड से, उसके फीडबैक से। ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने पोको F1 परचेस किया था। फ्रेंड के वन प्लस मोबाइल में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वही हेडफोन जब मैंने उससे लेके मैं अपने फ़ोन में जब लगाया तो देखा वैसे मुझे फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा जैसे वन प्लस में साउंड मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये बेसिकली जो होता है एक मिसमैचिंग के लिए होता है। जो साउंड इंजन जो रहता है फ़ोन के अंदर में, वो मिसमैच होता है हेडफोन के साथ। तो मैंने बहुत सारा हेडफोन ऐसे ट्राई किया, उसके बाद मैंने अपने पोको F1 के लिए दो हेडफोन ऐसे मैंने परचेज़ किए जो कि सक्सेसफुली सपोर्टेड है और बहुत ही बढ़िया फीडबैक मिलता है। आज उन्हीं दो हेडफोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास पोको F1 डिवाइस है तो आप ये दोनों हेडफोन में से कोई भी हेडफोन ले सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊँगा दोनों में क्या डिफरेंस है और सबसे बेस्ट कौन सा है और कौन सा आपको लेना चाहिए कौन से क्राइटेरिया में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे इस चैनल टेक्निकल ट्यूनर में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मज़ेदार टेक्निक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो पहले हेडफोन से शुरू करते हैं जिसका नाम है बोल्ट की तरफ से ओकवुड। तो पहले आ जाते हैं इसका कनेक्टिविटी जैक में। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है स्टीरियो, और इसका जो लेआउट है ये थोड़ा एंगल में किया गया है। तो आप अगर गेमिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ये ईजी रहेगा, क्योंकि जब आप मोबाइल पकड़ते हैं और साइड में जब जैक निकला रहता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है जब वो स्ट्रेट निकला रहता है। लेकिन इस टाइप का जैक में आपको बहुत आसानी हो जाता है मोबाइल को हैंडल करने में। मैं खुद गेमिंग करता हूं तो मुझे पता है क्या फील होता है। नहीं, फिर आ जाते हैं इसका जो केबल आप देख रहे हैं, इसका ऊपर का जो कोटिंग है बहुत रबराइज्ड फिनिश्ड है, तो आपको बहुत अच्छा एक फ़ील आता है और बहुत ये ड्यूरेबल है। अंदर में एक ब्रेडेड फॉर्मेशन किया गया है जिसके लिए स्ट्रेंथ इसमें और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको बोल्ट का एक बैचिंग मिल जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत स्टडी फील है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको एक क्लिप मिल जाता है जो आप अपने कॉलर में लगा सकते हैं और केबल को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम कंट्रोल और इनलाइन कंट्रोल मिल जाता है जिसमें आप कॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, सॉन्ग्स को आप फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं, और यहाँ पे एक इनबिल्ट माइक्रोफोन आपको मिल जाता है। इसमें जो खासियत वाली बात है वो है इसका ओक वुड का ये माइक्रो ऊफर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो बेस यहाँ पे फॉर्मेशन होता है बहुत ही हाई क्वालिटी का बेस आपको सुनने को मिलता है। साउंड क्वालिटी इसका ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको जो ये ग्रिप आपको दिख रहा है ईयर में फिटिंग के लिए, आपको तीन और मिल जाता है एक्स्ट्रा। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मैगनेट नहीं है, काफ़ी अभी जो हेडफोन निकला है यहाँ पर मैगनेट है जिसके लिए दोनों आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन इसमें आपको ये नहीं मिलता। और ये जो फुल आप हेडफोन देख रहे हैं ये IPX5 का वाटरप्रूफ आपको मिल जाता है। आपको बता दूं IPX5 का मतलब क्या है, मतलब एक लो प्रेशर में अगर ये इसको अगर पानी मिलता है तो इस हेडफोन को कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर भी होता है IPX7, 8, 9 इतना भी होता है जो 1 मीटर अबव पानी सह सकती है अगर उसमें आप डुबोते हैं तो। इस हेडफोन में हर एक म्यूज़िक का जितने भी बीट्स हैं, चाहे वो ट्रेबल में हो चाहे वो बेस में हो, हर एक चीज़ को आप अच्छे से फील कर सकते हैं। और जितने भी पोको F1 में जो भी इक्वलाइज़र है और हेडफोन का जो सेटअप है, हर एक सेटअप इसमें सपोर्ट करता है। जो लोग गेमिंग करते हैं जैसे पबजी वगैरह खेलते हैं उनके लिए मैं बता दूं, ईच एंड एवरी स्टेप कहाँ से फायरिंग हो रहा है, कहाँ से कोई मूवमेंट आ रहा है, छोटा से छोटा आवाज़ को आप यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत माइनूटली, बहुत आसान हो जाता है पबजी खेलने में। इस केबल में ऊपर में जो आप कोटिंग आप देख रहे हैं, जो ये रबराइज्ड जो फिनिश दिया गया है, इसके लिए टोटली टेंगल फ्री बन जाता है, आपस में ये उलझता नहीं। काफ़ी बार होता है जब आप बैग में रखते हैं या पर्स में आप रखते हैं तो ये टोटली आपस में उलझ जाता है और इसको निकालने में बहुत दिक्कत होता है, और ऐसा करते करते केबल का लाइफ भी कम जाता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अगला हेडफोन जो है वो है रियलमी के तरफ से रियलमी बड्स 2। अनफॉर्चुनेटली ये हेडफोन अभी प्रेजेंटली मेरे पास है नहीं, लेकिन इसका फुल एक्सपीरियंस मेरे पास है। इस हेडफोन में 50% ब्रेडेड यूज़ किया गया है और 50% रबराइज टेक्सचर यूज़ किया गया है, जिसके लिए इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है। साउंड क्वालिटी का अगर बात करते हैं तो इसमें जो बेस प्रोवाइड किया जाता है इस हेडफोन से, सबसे बेहतरीन है इस प्राइस रेंज में। ये ओकवुड बोल्ट का जो हेडफोन मैंने आपको पहले दिखाया उससे भी बेटर है। गेमिंग का अगर बात करें तो इस हेडफोन से अगर आप पबजी खेलते हैं तो सबसे बेस्ट आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ईच एंड एवरी साउंड, गन शॉट का, मूवमेंट का आपको और भी बेटर फील होगा बोल्ट हेडफोन से।
इस हेडफोन में और भी एक बढ़िया बात है कि इसमें आपको मैग्नेट मिल जाता है जो आपस में चिपक जाता है। ये जो आप हेडफोन देख सकते हैं, तो आपको केबल ऑर्गेनाइज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। केबल ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जहाँ पे आता है, इसमें आप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक बेल्ट भी दिया जाता है रबर का, जिससे लिए आप इस हेडफोन को अच्छे से बांध सकते हैं और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं कौन सा हेडफोन आपको लेना चाहिए। देखिए, क्लियर सा बात है, अगर आपके पास बजट है तो आपको Realme Buds 2 लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा खींचा हुआ है, थोड़ा अगर दबा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली बोल्ट के तरफ से जो Oakwood का जो मैंने आपको दिखाया वही हेडफोन आपको लेना चाहिए। दोनों में साउंड में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन ऑब्वियसली Realme का जो Buds 2 का जो फीडबैक है वो सबसे बेस्ट है। तो ये दोनों हेडफोन में से आप कोई भी हेडफोन ले सकते हैं, डिफरेंस सिर्फ आपका बजट में। बजट अगर है तो आप रियल में लीजिए, बजट अगर नहीं है उतना लेकिन आपको एक अच्छा हेडफोन भी चाहिए तो आप बोल लीजिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल टेक्निकल ट्यूनर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किसी फ्रेंड को अगर हेल्प करना चाहते हैं इस वीडियो से, इन्फॉर्मेशन से, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर, एंड कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।